हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे बॉर्डर वाली ब्लाउज से ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना। तो बैक डिज़ाइन हम बनाएंगे, तो इस तरह से हमने अस्तर का कपड़ा को पहले ओपन कर लेना है और इसकी जो लंबाई है वो हम रखेंगे यहाँ पर 14 इंच। तो इस तरह से हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। शोल्डर हम लेंगे यहाँ पर 6 इंच, तो इस तरह हमने 6 इंच पर मार्क कर लिया। आर्म होल भी हम यहाँ पर 6 इंच ही लेंगे, तो हमने 6 इंच ले लिया आर्म होल। अब हमारा जो भी चेस्ट है हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर मेरी जो चेस्ट है वो 36 इंच है, तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। कमर हमारे यहाँ पर 7.5 इंच है, 34 इंच हमारा कमर है, 1 इंच टक्स ले लेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब इन निशानों को भी हमें मिला लेना है। पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, तो इस तरह से मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। देखिए अभी मैंने आर्म होल का शेप नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रही हूँ। इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे आर्म होल की। पहले से हम कट करके अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें ले लेना है आर्म होल, तो आप 1 से 1.25 इंच यहाँ पर आप निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और राउंड शेप दे दे रही हूँ आर्म होल का। और गले का जो डीप है वो हम लेंगे 3 इंच पर, तो इस तरह हमने 3 इंच पर गले का डीप चौड़ाई ले लिया है। और इसकी जो डीप है वो हम लेंगे 9.5 इंच। एक निशान हम 9.5 इंच पे लगाएंगे, दूसरा निशान हम 12 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमें 2 निशान लगा लेना है। अब नीचे से भी हम 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं। तो हमने इन दोनों निशानों को मिला लिया है। अब यहाँ पर हम गले का शेप देंगे, तो यहाँ पर गला जो है हम मटका आकार में देंगे। तो इस तरह से हम गले की डिज़ाइन यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमारी गले की जो डिज़ाइन है इस पे बन गई है। इसको मैं अच्छे से डार्क कर लेती हूँ क्योंकि इसे हमें पलटना है। तो हल्का सा हम इसे टैप टैप कर लेते हैं ताकि इसके जो निशान हैं वो दूसरी तरफ भी आ जाए। अब इन दोनों निशानों को भी मिला लेंगे, जो हमारी मार्जिंग है तो इस पे भी मिला लिए हैं। अब 3 इंच हम लेंगे यहाँ से और डांट का निशान लगाएंगे 1/2 इंच पर, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। और ऊपर से हमें 4 इंच पर निशान लगा लेना है और इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेंगे। ये हमारी डांट हो गई है। अब हम जो आर्म होल पे शेप दिए हैं राउंड शेप, उसको कट कर लेते हैं। हमें मेन फैब्रिक ले लेना है, तो मेन फैब्रिक पे रख के हम इसे कट करेंगे। ब्लाउज पीस पे रख के हमने कट करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ब्लाउज पीस पे रख के कट कर लिया है। अब इसे ओपन करके मैं इसके ऊपर रखूँगी। इसके ऊपर रखने के बाद जो हमने गला यहाँ पर मार्क किया हुआ है आपको दिख रहा होगा, ये हल्का है। मैं इसे आपको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम चार्क से इसे डार्क कर लेंगे। अब इसी मार्क पे हमको ना यहाँ पर सिलाई स्टिच चलानी है, उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर डार्क कर लिया है, उसके बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जैसे जैसे हमने गला बनाया है बस उसी पे आपको सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को अच्छे से सेट कर लीजिए और इस पर आप सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें 1/4 इंच की मार्जिन देते हुए जो भी हमारा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो हमने 1/4 इंच की मार्जिन देते हुए गले को कट कर लिया है। अब छोटे छोटे कट लगा के गले को हमें पलट लेना है। पूरे गले पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसे हमें पलट के ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम पूरे गले पर सिलाई लगा लिए हैं। अब इसे पलट लेंगे, पलट के चारों तरफ से सिलाई लगा के इसे हमें फ़िक्स कर लेना है, अटैच कर लेंगे हम मैन फैब्रिक पे। तो इस तरह से मैं चारों तरफ सिलाई लगा ले रही हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम जो टक्स का निशान लगाए थे बस उसी पे आपको सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा टक्स भी जो है वो भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों टक्स पे सिलाई लगा लिया है। अब हम कमर की पट्टी लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपको एक चौड़ी पट्टी ले लेनी है और इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो नीचे की तरफ हम इसे रखते हुए एक सिलाई लगा रहे हैं, ऊपर से फिर दोबारा जो भी एक्स्ट्रा पट्टी उसे कट कर लेंगे और ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे पलटते हुए। तो हमने दबी सिलाई लगा लिया है फिनिशिंग के लिए। अब हमें इसे पलट लेना है और बड़े टाके से सिलाई लगाना है ताकि इसे तुरपाई करके हम बाद में खोल सकें और ये जो हमारी सिलाई है वो इजीली खुल जाए। तो इस तरह से हमने बड़े टाके पे इस पर सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारी जो बैक साइड का है ये रेडी हो गया। इसके बाद हम अब डिज़ाइन बनाएंगे, इस पर जो हमें डिज़ाइन लगाना है वो डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए ये हमारे गले का कपड़ा है, इसे ले लेते हैं। और ये जो हमने 9 इंच पे मार्क किया था ना, वहीं से बस आपको एक तिरछा लाइन
खींच लेना है। इस तरह से हमने एक तिरछा लाइन खींच लिया है 9 इंच जहाँ से हमने लिया था। उसके बाद इसको हम कट कर लिए, तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसा कि मैं टेप रख रही हूँ, रख के यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, बस वैसे ही मार्क कर लेना है। और उसके बाद इसकी भी आपको कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे गले के 2 पल्ले हमें मिल जाएंगे। अब इसे हमें अस्तर पे रख लेना है और 1-1 इंच की मार्जिन देते हुए इसे हमें कट करेंगे। हम इसे कट करेंगे तो ऊपर की तरफ जो हमारा गला है वो तो हमारा सेम ही रहेगा, बस नीचे से आपको इसको एक्स्ट्रा देना है। तो देखिए छोटा वाला पल्ला मैंने रखा था और इसको मैं दोनों तरफ से एक्स्ट्रा दे दी हूँ, सिर्फ ऊपर जो हमारा गला है उसको मैं एक्स्ट्रा नहीं दी हूँ। तो इस तरह से हमारे छोटे पीस की कटिंग हो गई है। इसके बाद ये जो बड़ा वाला है इसको भी हम रख लेंगे अस्तर के ऊपर। अब इसे हम राउंड में नीचे से पूरा कट कर लेंगे। ऊपर से बराबर करना है और नीचे से 1-1 इंच की मार्जिन देते हुए आपको राउंड शेप में इसे कट कर लेना है, क्योंकि जब हम सिलाई में इसे दबाएंगे तो नीचे की तरफ हमारा दबता है कपड़ा एक्स्ट्रा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना ही चाहिए। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हमने कट कर लिया, तो ये 2 पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसे हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसे भी हम जैसा है वैसे आपको कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब सामने की तरफ इस पर हम सिलाई लगा के इसे पलट लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर ली हूँ। अब देखिए इसके सामने की तरफ बस आपको स्टिचिंग कर लेनी है। कपड़े का आप एक बार ध्यान दे दें कि कपड़ा हमारा उल्टा सीधा ना हो, क्योंकि इसे हमें पलटना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऊपर से मैं इसको सिलाई लगा ली हूँ। अब इसे पलट के हम प्रेस करेंगे उंगली की मदद से इसे नाखून से, और ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा लिया है। दूसरे पल्ले पे भी सेम हमको इसी तरह सिलाई लगानी है। अब इस पर हम लेस लगाएंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इस पर हम पहले लेस लगा लेते हैं। आप चाहे तो इस पर पाइपिंग भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने इस पर लेस लगा लिया है। दूसरा एक बार और से सिलाई कर लेते हैं इस पर। दूसरे पे भी हमको सेम इसी तरह लेस लगानी है। तो इस तरह से हमने इस पर लेस अटैच कर लिया। ये हम 2.5-2.5 इंच की स्क्वायर में कट कर लिए हैं और पट्टी भी कट कर ली है सेम फैब्रिक का। अब इसे आपको तिकोनिया इस तरह से मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगानी है। हम डिज़ाइन इसी का बनाएंगे। ये जो हमारा बॉर्डर निकला था ना, बस उसी को मैंने यहाँ पर कट किया है डिज़ाइन बनाने के लिए। आप चाहे तो कंट्रास्ट में भी कपड़ा ले सकते हैं। और ये हमने सिलाई कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा है उसे अब इस तरह से कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए मैं जिस तरह से कर रही हूँ यहाँ पर, आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही कट कर लेना है। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए हमारा कपड़ा रेडी हो गया है। अब इस पर हमें इस जो बनाए हुए हैं तिकोनिया इसको रखना है। जब आप रखें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हमने बॉर्डर लेस लगाया है बस उसका जो नोक है उस पर मिलना चाहिए। तो क्या है, इसका जो डिज़ाइन है वो लुक अच्छे से आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा वीडियो में आपको कि ये जो मैं रख रही हूँ इसका जो नोक है वो बिल्कुल हमारे लेस से, ऊपर वाले लेस जो लगाए हैं ना उससे मिल रहा है। इसके बाद हमें पट्टी ले लेनी है। पट्टी को फोल्ड कर लेना है सामने से और इसके ऊपर रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है ताकि इस पर अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा लिया है। अब नीचे से फोल्ड करते हुए इस पट्टी को एक बार और सिलाई लगाएंगे। चाहे तो आप ना भी लगाएं तो भी चलेगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे भी हमें फिर ये डिज़ाइन जो है अटैच करना ही है। अगर आप लगा लें तो भी अच्छी बात है। तो इस तरह से नीचे भी हमने एक सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर फिर से हम यहाँ अपना जो हमने बनाया हुआ है इसे रखेंगे यहाँ पर। तो जब नीचे की तरफ आप रखें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों कॉर्नर जो हमारा कॉर्नर है और इसका जो मेन पॉइंट है उसको आप इस तरह से रखें ताकि ये डिज़ाइन अच्छे से लुक आए, खूबसूरत बन के दिखे। तो जैसे मैं वीडियो में यहाँ बता रही हूँ, आप ध्यान से देखें तो समझ जाएंगे। इसी तरह हमें सभी को अटैच कर लेना है यहाँ पर। तो हमारा दूसरा लाइन भी रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम फिर से एक पट्टी लगाएंगे फोल्ड करके। तो हमने इस तरह से पट्टी लगा लिया है। अब इसे भी हम फोल्ड करके नीचे से एक सिलाई लगा लेते हैं। अब तीसरा लाइन भी हमें लगा लेना है। तो नीचे भी मैं इस तरह से लगा ले रही हूँ यहाँ पर। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है देखिए, ये हमने तिकोनिया जो बनाया है तो उसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब नीचे भी हम एक पट्टी लगा के
इसे फिनिश कर देंगे। और नीचे राउंड में जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है बस उस पर आप सिलाई लगा के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आप कट कर लें। इसी तरह आपको दूसरा पल्ला भी रेडी कर लेना है, जो हमारा छोटा वाला है उसे भी हमने रेडी कर लिया। देखिए इसे हम इस तरह से तिरछे में रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा के इसे हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने तिरछे पे रखा है और इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। हमने सिलाई लगा लिया यहाँ पर, एक बार और सिलाई लगा लेंगे दूसरे कॉर्नर से। तो इस तरह जो हमारा डिज़ाइन बनाए हुए थे हम नेक का, बिल्कुल उसको हमने एक दूसरे से फिट कर लिए हैं। उसके बाद हमें एक कपड़ा ले लेना है और इसे हम चार बार फोल्ड करेंगे, चार फोल्ड है ये। अब यहाँ से हमें ढाई ढाई इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह हमने ढाई ढाई इंच पे निशान लगा लिया है और इसे हम राउंड में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब मेन फैब्रिक ले लेना है आपको। तो ये जो हमारा गला का निकला हुआ फैब्रिक था बस उसी को हमने ले लिया है और इसके ऊपर रख के इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चारों तरफ हमने इसके सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट दे देते हैं। अब इसे हमें बीच सेंटर से इस तरह फोल्ड करते हुए बीच में हम चौक से मार्क करेंगे और इसी सेंटर को हम हल्के से कट कर लेते हैं यहाँ पर एक इंच का। और यहाँ से हम कपड़े को पलट लेंगे। तो हमने कपड़े को इस तरह पलट लेना है। इसको अच्छे से आप फिंगर से या पेन से किसी चीज़ से आप इसको अच्छे से फिनिशिंग दें और चारों तरफ इसके भी सिलाई लगा लें। तो इस तरह हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली। उसके बाद इस पर हम लेस अटैच करेंगे। तो हमने चारों तरफ लेस अटैच कर लिया है, दूसरी तरफ से भी हम सिलाई लगा के इसे फिनिश कर लिए हैं। अब इसको हम क्रॉस करते हुए बीच में सिलाई लगा लेंगे ताकि बटरफ्लाई शेप में आ जाए। तो इस तरह से देखिए हमने इसको सिलाई लगा लिया है। उसके बाद जो हमारा कपड़ा कटा हुआ था, जो गले से हमने डिज़ाइन के लिए कट किए हुए थे, बस उसी को ले लेना है। और तिकोनिया में हमको यहाँ पर टैसल्स बनाने हैं। तो ये मैंने कट कर लिया है। मैन फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर हम कट करते हुए हम टैसल्स बनाएंगे यहाँ पर। तो नीचे से सिलाई लगा के इसे हमें पलट लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। दूसरे वाले को भी सेम आपको इसी तरह सिलाई लगानी है। और इसके बाद इसे हम पलट लेंगे। पलट के नीचे से हमें लेस लगाना है यहाँ पर। तो इस तरह से आप लेस लगा के इसे भी रेडी कर लें। दूसरे वाले को भी सेम आपको इसी तरह रेडी करना है। यहाँ भी हम लेस लगा लेंगे और इस तरह से हमारे खूबसूरत टैसल्स दो तैयार हो जाएंगे। और आपको एक डोरी ले लेनी है। डोरी बिल्कुल छोटी लेनी है। आप उसको एक बार इस पर रख के ऐसे चेक कर लें कि आपको कितनी बड़ी लेनी है। उसके बाद आप कट कर लें। कट करके दोनों साइड को ये जो हमने टैसल से बनाया था उसको अटैच कर लें। तो इस तरह हमने डोरी पर अटैच कर लिया है। अब इसे हम पलट लेते हैं। तो देखिए मैंने एक साइड का पलट लिया है अटैच करके, दूसरे साइड का भी सेम आपको इसी तरह ही करना है। और इसे भी हम पलट लेंगे। तो हमारी दोनों साइड लग के हमने इसे पलट लिया है। अब इसे बीच सेंटर पे रखेंगे और यहाँ पर हम, आप चाहे तो सुई धागा से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सिलाई से ही बीच में सिलाई लगा ले रही हूँ। और इसे हमने ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारी जो डोरी है वो जुड़ गई है और बीच में हम ये बटन लगाएंगे। तो हमें ये जो बटन है उसको मैं सुई धागा से अटैच कर ली हूँ। अब हम मेन फैब्रिक ले लेते हैं, जो हमारा बैक साइड का पल्ला है। और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसको नीचे की तरफ रखते हुए अच्छे से आप सेट कर लें। आप चाहे तो यहाँ पर पिन भी लगा लें, पिन लगा के ही आप सिलाई करें, नहीं तो ये इधर उधर सरक सकता है। तो इस तरह से हम इस पर पिन लगा लेंगे और इसको सिलाई करके इस पर हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको सेट करते हुए सिलाई लगा लें यहाँ पर। कोई भी सलवटें वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ अटैच कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो इस तरह आपको पूरे गले पे लेस लगा के इसे रेडी कर लेना है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।